ओके, लेट्स स्टार्ट अवर वर्कशॉप नंबर 4, विच इज़ रिएक्ट आउटर एंड इंट्रोडक्शन टू हुक्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ रितेश अली। आई एम द वन ऑफ द कोर मेंबर ऑफ गूगल डेवलपमेंट स्टूडेंट क्लब, सच एज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आज की जो हमारी वर्कशॉप है वो बेस करती है रिएक्ट आउटर पे, और हम कुछ हुक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम लास्ट वर्कशॉप के बारे में थोड़ा सा अगर अपना रिमाइंड करें, तो उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। हमने स्टेट्स ऑफ प्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया था, कंपोनेंट किस तरह से बनते हैं, वो किस तरह मैनेज होते हैं, फिर स्टेट किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, उसको फंक्शन चेंज करने का तरीका किस तरह से होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर हमने रिडक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमने स्टेट जो है वो लोकल से उसको ग्लोबलाइज कर दिया था, राइट। तो वो किस तरह से उसका पूरा एक प्रोटोकॉल था, हम उसके पूरे प्रोसीजर से होकर गुजरे थे। तो आज का जो है, आज की वर्कशॉप कल की वर्कशॉप से थोड़ी लाइट है, क्योंकि कल की काफ़ी हैवी हो गई थी और बच्चों को समझने में मुश्किल भी हो रही थी, तो इसलिए मैंने आज की वर्कशॉप थोड़ी हल्की रखी है, ताकि आज का और कल जो है उनको दिन मिल जाए, ताकि वो कल के वर्कशॉप जो है वो प्रैक्टिस में ला सकें। क्योंकि हमारे पास जो है अब जो है मंडे को हम एक एप्लीकेशन शुरू करेंगे, जो कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होगा। उसमें हमारे पास जो आज का टॉपिक है, जिस इज हुक्स एंड रिएक्ट राउटर, हम वो भी यूज़ कर रहे होंगे और हम रिडक्स यूज़ कर रहे होंगे इस एप्लीकेशन के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशॉप। अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपको? ये बता दें मुझे। यस सर। ओके, अच्छा, रिएक्ट राउटर क्या होता है, डेफिनेशन ये लिखी हुई है, मैं आपको ऐसी थोड़ी बताता हूँ कि आपके पास जो है वो दीदी, जो हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आया था ना रिएक्ट में, तो हमारे पास ये हुआ था कि हम जो है हमारे पास सारे के सारे फाइल जो है वो एक ही बारी में क्लाइंट साइड पे डाउनलोड होकर आ जाती है, फिर हम उसी के अंदर जो है चेंजेस कर रहे होते हैं, नेविगेशन पे हम आगे पीछे हो रहे होते हैं। पहले क्या करते थे, जैसे मैंने वर्कशॉप नंबर 1 में बताया था कि पहले हमारे पास जो है अलग अलग पेजेस के अलग अलग फाइल बनती थी, और वो जो है बार बार जो है हमें उस पर सर्वर पे डिप्लॉय करते थे, और जब भी हमें कोई रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी पेज पे, तो वो हर बार जो है वो सर्वर पे हिट करता था और वहाँ से वो पेज उठा के लेकर आता था। वो हम किस तरह से करते थे, हमारे पास HTML के अंदर एंकर टैग होता था, हमने उस पर क्लिक करा, उस सर्वर ने उस पर हमारे जहाँ हमारा सर्वर रखा था उस पर हिट करा, और उसने वहाँ से पेजेस लेकर आ गया। समटाइम्स वो पेजेस लेकर आता है, समटाइम्स कोई एरर आ जाते हैं, तो इसको जो टैकल किया वो सिंगल पेज एप्लीकेशन ने टैकल किया, राइट। तो जब सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास सारे के सारे कंपोनेंट एक जगह पे एक ही फाइल के अंदर बनते हैं सारे, जब मैं दिखाया था वर्कशॉप नंबर 2 के अंदर कि हमारे पास एक इंडेक्स डॉट HTML की फाइल होती है, और उसके अंदर ना एक डिव बना हुआ होता है रूट, सही है। तो उसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट जो हैं वो मर्ज होते हैं, और वो सिंगल पेज के सिंगल HTML फाइल के अंदर सारे हमारे पास बन के आ जाते हैं। तो अब हमारे पास सारे पेजेस जो हैं वो क्लाइंट साइड पे आ गए, एक ही HTML की पेज है, और उसके अंदर हम कंपोनेंट वाइज जो है राउटिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास राउटर का कॉन्सेप्ट आया कि हमें नेविगेशन करनी है आपके अपने कंपोनेंट पे। मैं सबको अगर ऐड कर लूँ, बारी बारी आ रहा है। सही है, तो मैंने जो अभी नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है। सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास सारे पेजेस बन के आ जाते हैं, हमारे पास एक इंडेक्स और HTML की फाइल होती है, जिसके अंदर हमारे पास एक डिव होता है रूट, और उसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स एज अ डॉम ट्री की तरह पूरी क्रिएट हो जाते हैं, वहीं पर आके हमारे सारे कंपोनेंट्स मर्ज होते हैं। तो एक ही फाइल होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर, तो और उसके अंदर हम कंपोनेंट वाइज जो है ना उसमें हम राउटिंग कर रहे होते हैं, नेविगेशन से स्विचेस मार रहे होते हैं। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को जो रिएक्ट राउटर लेकर आया है वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए लेकर आया है। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई हमारे पास। हम पहले ट्रेडिशनल वे में क्या करते थे, हम हमारे पास सर्वर पर डिप्लाई होते थे पेजेस, और हम डायरेक्ट हिट करते थे एंकर टैग के थ्रू, सही है। सिंगल पे एप्लीकेशन के अंदर हम राउटर यूज़ करते हैं। अच्छा, राउटर के बारे में तो बता दूँ कि हमारे पास रिएक्ट राउटर आगे स्लाइड में आएगा इंशाल्लाह, सही है। अब ये वाली जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ओके, ये वाली स्लाइड जो आपको नज़र आ रही होगी, रिएक्ट राउटर और रिएक्ट राउटर डॉम, इसका क्या, इसकी क्या बैक स्टोरी है सर, वो थोड़ी समझ लेते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है ना, जब राउटर का कॉन्सेप्ट आया, तो हमने जो है रिएक्ट के अंदर हम जो है एक
वेब एप्लीकेशन ही बनाते हैं हम, रिएक्ट नेटिव के अंदर भी काम कर रहे होते हैं सेम लैंग्वेज, लेकिन हम नेटिव एप्लीकेशन बना रहे होते हैं फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इसी तरह से अगर हम रिएक्ट को यूज़ करें फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो जे एस है वो हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में काम आती है ना, तो ये तो रिएक्ट तो एक लाइब्रेरी है, वो तो कहीं किसी भी फ्रेमवर्क के साथ जाके लग सकती है। मैं एंगुलर के साथ रिएक्ट यूज़ कर सकता हूँ, मैं रिएक्ट के साथ जे क्वेरी यूज़ कर सकता हूँ, तो ये सब वो लाइब्रेरीज हैं, तो ये कहीं भी अटैच हो जाती हैं। अब लेकिन राउटर जो है, अब रिएक्ट वालों के पास ये मसला आया कि भाई हमने जो है वेब एप्लीकेशन के लिए राउटर निकालें या अलग निकालें, या फिर हम जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए अलग निकालें, या फिर हम जो है अपना मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अलग निकालें, क्योंकि सबकी राउटिंग डिफरेंट होती है। अगर आप वेब पे जाओ तो वेब की राउटिंग अलग होती है, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, नेटिव एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग अलग होती है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग अलग होती है। तो रिएक्ट वालों ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला, इन्होंने इसको रिएक्ट के साथ मिला नहीं दिया, रिएक्ट को राउटर को जो है रिएक्ट राउटर की पैकेज वो बिल्कुल डिफरेंट कर दिया उन्होंने, और उसके अंदर बिल्कुल जनरलाइज पैकेज बना दिया कि अगर आपको जो है, एक तो ये रिएक्ट राउटर है ये तो आपके पास इंस्टॉल होगा ही होगा, लेकिन जब मैं वेब के लिए काम करूँगा ना तो मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट राउटर डॉम, क्योंकि इन्होंने ये तीन अलग से और बना दिए जो कि सपोर्ट करते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म को। जो ये रिएक्ट राउटर डॉम है ना, ये सपोर्ट करेगा आपके वेब को। एक होता है रिएक्ट राउटर नेटिव, वो अगर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी रिएक्ट राउटर नेटिव, वो हम यूज़ करते हैं नेटिव एप्लीकेशन के अंदर। तो इन्होंने इस चीज़ का सोल्यूशन इस तरह से निकाला, अगर हमारे पास ये होता कि हम रिएक्ट के अंदर ही राउटर का पैकेज डाल देते, रिएक्ट पूरी एक लाइब्रेरी ना उसके अंदर ही हम राउटर का पैकेज डाल देते, तो हमारे पास ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे राउटिंग का इशू आता, तो इसका सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला। तो हमारे पास जब भी हम पैकेज इंस्टॉल करने जाते हैं ना कि हम रिएक्ट राउटर डॉम भी क्यों कर रहे हैं साथ में, हमने रिएक्ट राउटर तो कर लिया, तो इसका आंसर सिंपल सा ये है कि इन्होंने जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग से जनरलाइज निकाल दिया कि अगर आपको वेब के लिए यूज़ करना है तो आप डॉम यूज़ कर लो रिएक्ट राउटर डॉम, नेटिव यूज़ करना है तो आपने रिएक्ट राउटर नेटिव यूज़ कर लो। यहाँ तक समझ में आई बात, इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी। कोई मुझे पॉइंट कर दे, आगे हम आगे मूव करें। एनीवन? अच्छा मैसेज आ रहे हैं, ओके ओके। तो हमने, अच्छा हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये हमारी हैंड्स ऑन वर्कशॉप है तो हम ज़्यादातर काम जब कोडिंग पे करेंगे तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं हैंड्स ऑन। तो मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, ज़रा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे, अच्छा ये तो पुरानी है, मैं जाता हूँ आपके पास राउटर ऐप मैंने भी यहाँ पे क्रिएट की है, ओके राउटर ऐप जान साहब, ये एप्लीकेशन तो स्टार्ट होती है, तो उसको कौन बंदा आया अभी साहब, ओके कोशिश किया करें कि वर्कशॉप से ना 5 मिनट पहले आप जो है राइट नाउ ओके अभी वो उसमें प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताया रखा है। अच्छा तो कोशिश किया करें कि ना आप वर्कशॉप से 5 मिनट पहले सारे ज्वाइन कर जाएँ, ताकि फिर ना बार बार मुझे स्क्रीन पे आना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि होस्ट मैं ही बना हूँ इसके अंदर, तो ये तरह मुझे मसले होते हैं। जब तक ग्राउंड था हमारे पास तब तक हम देख लें दूसरी एप्लीकेशन, इसको मैं काटता हूँ। तो ठीक है, हमारे पास ये एप्लीकेशन रन हो गई है, तो अब हम जो है इतने रिएक्ट आउटर पे काम कर लेते हैं। अच्छा मैंने जब तुमको पैकेजेस दिखाए स्टार्टिंग के स्लाइड के अंदर, जैसे कि हमारे पास जो ये वाली स्लाइड थी रिएक्ट आउटर और रिएक्ट आउटर डॉम, तो हम पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारे पास इसको खोलते हैं नया टर्मिनल, इसी हम जाते हैं सीडी राउटर ऐप, और इसके अंदर हम पैकेज कर लेते हैं यार्न एड रिएक्ट राउटर एंड रिएक्ट राउटर डॉम, ये पैकेज इंस्टॉल हो जाए अपना।
अच्छा स्क्रीन से मैंने यहाँ से स्लाइड पे रखी हुई है, सही है सही, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। एंटायर सीन कर लेता हूँ, अब विजिबल है, अब मेरे पास विजिबल है, आपके पास? ओके अच्छा, मैंने यहाँ पे रियाक्ट राउटर और रियाक्ट और डॉम इंस्टॉल कर लिया है। अब हम जाते हैं अपने बेसिक एप्लीकेशन के ऊपर, थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। सही है, हमारे पास ये सब थे, मैं सबको तो हटा रहा हूँ, ये प्री डिफॉल्ट मतलब बॉयलर प्लेट कोड थे, इसको मैं हटा रहा हूँ, और ये हमारे पास एप्लीकेशन हो गई साफ। सही है। अच्छा हम राउटिंग किस तरह से इसमें करेंगे? राउटिंग के लिए हमारे पेजेस की नीड होती है, राइट? तो हम इसके अंदर बनाएंगे फिलहाल 3 पेजेस। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि हम एक बना लेते हैं, तीन तीन पेजेस बना लेते हैं ना, तो इसका एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं पेजेस, और इस पेजेस के अंदर हम एक काम करते हैं, 3 पेजेस पे काम करते हैं। एक सिंपल एप्लीकेशन के लिए हम होम पेज बना लेते हैं, एक बना लेते हैं अबाउट पेज, और एक बना लेते हैं कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट पेज। सही, ये 3 पेज पे काम कर लेते हैं। होम होम के अंदर मैंने बनाया होम डॉट जे एस, सही है, RFCE, ये मैंने शॉर्टकट बता दिया था लास्ट वर्कशॉप के अंदर। ये आपके पास फंक्शनल कंपोनेंट पूरा रेंडर करके दे देगा, मतलब कि बना के दे देगा पूरा टेम्पलेट। हमें इसके अंदर स्टेट यूज़ नहीं कर रहे, तो हम क्लास कंपोनेंट यूज़ नहीं करेंगे इसमें। सही है, ये हमने पेज क्रिएट कर दिया, इसको काटता हूँ फिलहाल मैं। पेजेस के अंदर हम गए न्यू फोल्डर, अपने आने का कॉन्टैक्ट का एक पेज बना लेता हूँ, कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट डॉट जे एस, और एक पेज बना लेते हैं हम आपका अबाउट अबाउट, और अबाउट के अंदर अबाउट डॉट जे एस, RAFC RAFC। सही है, सिंपल से इसके अंदर डाल रहा हूँ H2 का टैग, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे पास जो है कॉन्टैक्ट पेज, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। सिंपल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, पेजेस बना रहा हूँ। सही है, अबाउट ये हो जाएगा होम पेज ना, सॉरी ये हो जाएगा होम पेज। अच्छा अब इसके अंदर फिलहाल मैं इन तीनों को ले आता हूँ, होम क्या हो गया, अच्छा होम इम्पोर्ट नहीं हुआ, हो गया इम्पोर्ट हो गया, होम अबाउट अबाउट आ गया, और हमारे पास आ गए कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट नहीं आया, अच्छा इम्पोर्ट कभी कभी इंटेलिजेंस मसला कर जाता है। कॉन्टैक्ट फ्रॉम करंट पेज पे गए, पेजेस में गए, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, कोई एरर फिलहाल नहीं है, लोगो लोगो यूज़ नहीं हो रहा हमारे पास, कोई एरर तो नहीं, नहीं। अबाउट पेज, होम पेज और कॉन्टैक्ट पेज। अच्छा मैं इसको यहाँ से ऐड बट सीधा हटाता हूँ, सही हो गया। यहाँ तक हमने 3 पेज, फिलहाल हमने 3 कंपोनेंट बनाए, राइट? अभी हमारे पास रिएक्ट आउटर कुछ नहीं आया है, हमने बना लिए 3 कंपोनेंट। जब मैसेज चेक कर लेता हूँ, किसी का मैसेज नहीं आया हुआ। अच्छा आपने कौन सा वर्जन, अच्छा हमारे पास जो रियाक्ट राउटर डॉम का वर्जन अब जो इंस्टॉल होगा ना, वो वर्जन 6 होगा। पहले के जो वर्जन थे, वर्जन 5.0.2 या ऐसी कुछ है, उसके अंदर ना राउटिंग का पूरा एक प्रोसीजर डिफरेंट था, लेकिन अब की जो रियाक्ट राउटर डॉम है ना, उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट है। मैं दोनों चीज़ आपको बता देकर ले चलूँगा। अच्छा अभी हमारे पास जो 3 कॉम्पोनेंट जो है, हमने यहाँ पर इम्पोर्ट किए हैं, राइट? अब हमें बनाने पेजेस, पेजेस को हम बताने पड़ेंगे इसको कि भाई ये पेजेस हैं, फिलहाल तो ये कंपोनेंट है ना, लेकिन हमें रिएक्ट आउटर को बताना पड़ेगा कि ये पेजेस हैं। तो हम ये काम इसलिए किस तरह से करेंगे,
हम इसके अंदर फिलहाल ऐप के अंदर इम्पोर्ट करेंगे, हमारे पास तीन चीज़ें हैं वी एक्ट और डॉम के अंदर हम तीन फंक्शन इम्पोर्ट करते हैं। अब वो फंक्शन क्या काम करते हैं आपको बताता हूँ, पहले हम इम्पोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम वी एक्ट राउटर डॉम। पहली चीज़ क्या इम्पोर्ट करेंगे, पहली चीज़ करेंगे ब्राउज़र राउटर, दूसरी चीज़ हम करेंगे राउट, और तीसरी चीज़ करते हैं हम स्विच। लेकिन जैसे अली अली ने बताया कि हम अब फिलहाल यूज़ कर रहे हैं वर्जन 6, तो स्विच जो है पहले वर्जन 5.0.2 में यूज़ होता था, लेकिन अब इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है, इसका नाम इन्होंने रख दिया है राउट इस वर्जन के अंदर। तो अब हमारे पास ये तीन चीज़ इंपोर्ट हो गई। अब ये तीन चीज़ है क्या, पहले ही समझ लेते हैं। ब्राउज़र राउटर क्या करता है, ब्राउज़र राउटर आपके जब नेविगेशन कर रहे होते हैं ना, तो पेजेस की नेविगेशन की पूरी हिस्ट्री होती है, वही मेंटेन होती है। तो आपके पास पहले ब्राउज़र राउटर के अंदर हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है कि आप पहले आपके पास आपने आगे कौन से वाले में गए, या पीछे आगे पास पीछे आपने नेविगेट किया तो हम कौन से पेज पे थे। तो ये सारी हिस्ट्री मेंटेन करता है आपके पास ब्राउज़र राउटर। सही है, मैसेज मेरे पास यहाँ खुल नहीं रहा है। ओके सही है, तो ये ब्राउज़र राउटर काम होता है। अच्छा अब राउटिंग क्या होते हैं, राउट्स होते हैं ये वो कॉम्पोनेंट्स हैं। ये माइक किसको खुला रहा है, माइक बंद कर दें। सही है, हमारे पास ये राउट्स हैं, ये राउट है, राउट एक कंपोनेंट है जो कि एक्सेप्ट करता है आपकी पाथ और आपके कंपोनेंट। ये जिसका भी माइक ओपन है आप प्लीज बंद कर दें। हेलो, अच्छा ठीक है, मेरे पास से आवाज़ आ रही होगी, आपको कोई वेट की आवाज़ आ रही है, डिस्टॉर्शन की अच्छा कुछ। सही है, अच्छा मेरे पास आ रही थी। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ब्राउज़र राउटर क्या काम करता है। ये आपकी हिस्ट्री मेंटेन करता है, जो भी आप ब्राउज़र पे आप कर रहे हो, तो जो भी आप जिस नेविगेशन पे जा रहे होते हो उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है ब्राउज़र राउटर के अंदर। राउट्स क्या करता है, राउट्स जो है वो आपका एक कंपोनेंट होता है जिसके अंदर आप अपना पाथ डिफाइन करते हो, और दो पैरामीटर डिफाइन करते हो, एक पाथ होता है और एक कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट में आपको जाना है और किस पाथ के थ्रू उस कंपोनेंट में जाना है, वो चीज़ हम राउट पर डिफाइन करते हैं। और राउट्स क्या करता है ये बताता हूँ मैं आपको अभी। फिलहाल हम कर लेते हैं इन तीनों को रैप कर लेते हैं आपके ब्राउज़र राउटर पे, ब्राउज़र राउटर। एक तो यार ये इंटेलिजेंस इन्होंने बड़ा तंग करके रखा हुआ है। सही हो गया, हम कर लेते हैं इसको कट। पहले आता था ब्राउज़र राउटर, इसके अंदर आप रैप करते हो राउट्स, अब मल्टीपल राउट्स डिफाइन करते हो। तो मैंने बताया मुझे होम पेज पे जाना है, होम पेज का एक राउट बनेगा, और मैंने कहा था दो पैरामीटर एक्सेप्ट होते हैं इसके अंदर। कौन से एक्सेप्ट होते हैं, एक होता है पाथ जिसके अंदर आप पाथ डिफाइन करते हो। किसी का मैसेज तो नहीं आया, नहीं तो आप पाथ डिफाइन करते हैं, पाथ स्ट्रिंग फॉर्म में डिफाइन करेंगे। मेरे पास जो रूट पाथ होता है ना, जो सबसे इनिशियल एब्सोल्यूट पाथ होता है, वो उसके लिए डिफाइन करते हो स्लैश। तो मतलब कि मेरे पास इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पाथ है मेरा। अब कॉम्पोनेंट, हम इस कॉम्पोनेंट पे किसको रखेंगे, हम रखेंगे आपके पास होम को। तो मैंने किया कॉम्पोनेंट, अच्छा पहले कॉम्पोनेंट नहीं आएगा इसके अंदर, पहले हमारे पास 5.0.2 के अंदर ना हम कॉम्पोनेंट लिखते थे, लेकिन वर्जन 6 के अंदर जो है अब इसका नाम भी चेंज हो गया है, इसको हम लिखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट में हम लिखेंगे वो कॉम्पोनेंट देंगे जो हमारे पास, जिस कॉम्पोनेंट में हमें जाना है। तो हमें जाना है होम पे, क्योंकि हमारे पास स्लैश है, हम जाएंगे होम पे, होम हमारे पास इम्पोर्ट है। ओके ये हमारे पास बन गया राउटर। हमारी जो एप्लीकेशन है ना, वो पहले सबसे पहले जब रेंडर होगी तो हमारे पास सबसे पहला क्या चलेगा, होम चलेगा। देख लेते हैं हमारे पास इसमें सिंटैक्स एरर, अच्छा राउटर। सही सही सही, हमने राउट्स इसके अंदर डिफाइन नहीं करा, पहले राउट्स कर लेते हैं। राउट्स ये किस राउट्स नया उसकी अपडेट में आया ना, ये राउट्स। जी, पहले आता था स्विच आता था हमारे पास, अब जो है वो उसका नाम चेंज करके जी, उन्होंने राउट्स कर दिया। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, ये क्यों किया? इसकी वजह तो मुझे भी नहीं पता क्यों किया है ना। हर जगह जब भी चीज़ें हो रही है उन्होंने पीछे नाम स्विचेस कर रहे होते हैं ये लोग, तो ऐसे बहुत से लाइब्रेरीज के अंदर ये होता रहता है। खैर
काम तो दोनों का एक ही है, बस इन्होंने नाम स्विच मारा है। अब आई डोंट नो इन्होंने क्यों मारा है। सही हो गया, हमारे पास जो है ये राउट्स के अंदर हमने रैप कर दिया। अब हमारे पास सबसे पहला पेज खुल कौन सा रहा है, आप देख रहे होंगे होम पेज खुल रहा है हमारे पास, सही है। तो ये क्यों खुल रहा है, क्योंकि हमारा जो एब्सोल्यूट पाथ है ना वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, और एब्सोल्यूट पाथ के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, वो हमारे पास होम है। अब इस तरीके से हम पाथ डिफाइन करते हैं बाकी के दो, बाकी के दो के अंदर हमारे पास कौन से हैं, एक हो गया अबाउट का पेज, अबाउट के पेज में किस में जाना चाहिए इसको, अबाउट। और इसी तरीके से हमारे पास अब कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो हमारे पास खुलना चाहिए कॉन्टैक्ट का पेज। मैंने इसके अंदर आपके पास सिर्फ अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज लिखा था पहले से, अब हम जहाँ पे आपके चेक कर लेते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई बटन नहीं है राउट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ अपने नेविगेशन पे लिंक पे अबाउट। तो मेरे पास हम राउट कर गए किस पे, अबाउट पेज पे राउट कर गए। सेम हम करेंगे आपके पास कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज पे राउट कर गए। राउटिंग यहाँ इसके अंदर हमारे पास रिएक्ट के अंदर हम इस तरह से राउटिंग डिफाइन करते हैं, और इस तरह से हम आगे अपने ब्राउजर्स के राउटिंग को जो हमने मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, एक कीवर्ड होता था पहले जो इसके अंदर ओमिट कर दिया गया, क्योंकि उस एरर को जो है ना, उस मतलब के फीचर को जो है ना उन्होंने ख़त्म कर दिया है। जो मसले आते थे वो मसला क्या आता था कि पहले हमारे पास 5.0.2 वर्जन के अंदर रिएक्ट और डॉम के हमारे पास होता था स्लैश, सही है। अब ये स्लैश जो है ये डिफाइन करता था आपके पास राउट रूट को ना, बिल्कुल तो जब भी हमारे पास जब पाथ सारे रूट जब चेक कर रहा होता है हमारे पास जो पीछे का रन हो रहा होता है जावास्क्रिप्ट, तो इसके अंदर हमारे पास जब भी स्लैश आता था तो वो चेक करता था कि चलो होम आ गया, इसने होम को रेंडर कर दिया। लेकिन वो आगे जब उसको और स्लैश मिलता था ना, वो बाकी के पेज को भी रेंडर करता था। तो इसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता था कि भाई हमें जो है सिर्फ स्लैश ढूंढना है, क्योंकि स्लैश तो बाकी के दो में भी है ना, तो इसको स्लैश तो हर जगह मिल रहा है, तो वो तीसरे वाले पेज से चला जाता था, उसको यहाँ मिल रहा है सबसे एंड में, तो ये वाला पेज खोलता था। तो हमें इसका जो पहले 5.0.2 के अंदर ये जो इसका एरर जो सॉल्व हुआ वो इसमें होता था कि हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करते थे एग्जैक्ट के नाम से, सही है। तो इसमें क्या होता था कि हमारे पास जो है अब सिर्फ जब तक ये होगा ना, सिर्फ एक स्लैश होगा तो मतलब कि सिर्फ होम खोलेगा। अगर स्लैश के साथ अबाउट लिखा हुआ है लेकिन सिर्फ स्लैश नहीं है तो भी आपके पास अबाउट नहीं खुलता था, आप पूरा लिखते थे उसके बाद जाके आपके पास अबाउट खुलता था। तो ये एक जो है इशू इन्होंने इस वर्जन के अंदर सॉल्व कर दिया, तो हमें एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं है, वही काम हमारे पास ये कर रहा है सिंपल। ये हमारे पास एक राउटर का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इसको जो है एक एक तो हम यहाँ से नेविगेट कर रहे हैं ना, हम यहाँ से तो करते ही नहीं है, हमारे पास कोई ना कोई बटन होता है राउट करने के लिए, तो इस फंक्शनैलिटी को भी समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ से समझ में आया ना कि इसने किस यहाँ से राउट डिफाइन करे, यस सही है। अच्छा, ये राउट्स का मैंने बताया ही नहीं, ये राउट्स क्या करेगा। अच्छा, अभी आपको मैंने जब राउट्स नहीं लगाए थे तो एक एरर आया था हमारे पास, ये हमारे पास एक एरर आया था, मतलब कि हम जो है राउट्स के इस चाइल्ड राउट्स के अंदर बगैर हम वापस से रेंडर नहीं कर सकते, डायरेक्टली रेंडर नहीं कर सकते, हमें इसके अंदर इसको पैक करना पड़ेगा। तो ये वजह एक होती है, और एक वजह ये होती है कि आपके पास जो है ना ये स्विचर है, ये आपको देख के बताएगा कि आपके पास राउटिंग जो है ना यहाँ पे आपको आनी है, तो आप यहाँ पे डाल चले जाओगे, वरना आपके वजह ये नहीं लगा होता था ना पहले स्विच के अंदर, तो ये मसले आते थे कि आपको वो सार आपको यहाँ पे मिल गया। पहले आपको सपोज करें कि आपको पहले पाथ के ऊपर आपको आपका कंपोनेंट मिल गया, लेकिन वो बाकी के जितने भी नीचे राउट्स होते हैं ना उन सबको चेक करते हुए आता था। तो ये आपका आपको मैं बता देता है कि भाई एग्जैक्ट आपका राउट कहाँ पर है, तो आपको वहाँ पे लेके जाता है और वो कंपोनेंट वहाँ पे खोल देता है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है यहाँ पे लगाने का, और अब तो इन्होंने एरर भी लगा दी है इसके अंदर। यहाँ से समझ में आ गई बात कि हमने राउट्स यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, पहले इसका नाम होता था स्विच, अब इन्होंने इसको राउट्स कर दिया। ये सिंपल हमारी राउटिंग थी। अब हम हमारे पास टाइम कितना है, 8:39, ऐसे हमने लेट शुरू किया है ना, तो सही है। अब हम काम करते हैं, आपके पास एक बटन लगा देते हैं जो हमें जो है राउट्स पे कर रहा होगा, राउट्स से आगे पीछे राउट कर रहे होंगे। तो अच्छा, बटन नहीं लगाते हैं, एक काम करते हैं नैव बार बना लेते हैं, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक हम बना लेते हैं कंपोनेंट के नाम से एक फोल्डर, कंपोनेंट के अंदर बना लेते हैं नैव बार। उस नैव बार के अंदर हम तीनों के पार्ट्स रख देंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट हम डायरेक्ट उस पर क्लिक करें और डायरेक्ट हम वहाँ पहुँच जाएँ। इसको कर लेते हैं फाइल नैव बार डॉट जे एस, RSPE,
सही, हमारा सिंपल नैव बार बन गया। अब इसके अंदर हम थोड़ी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं, स्टाइल बना लेते हैं इसको, अजीब लगेगा। नैव बार डॉट CSS इंपोर्ट नेबा डॉट CSS। नेबा ऐसे सब कनेक्ट हो गया। अब आपके पास हम कर लेते हैं यहाँ पे इसके अंदर अपने राउट डिफाइन कर देते हैं ना, तो सही है। इसके अंदर हम कर देते हैं H3 H3 इसके अंदर कर देते हैं होम होम अबाउट और कॉन्टैक्ट। सही है, मैं बस यहाँ पे नैव बार को हम कर लेते हैं। अच्छा, नैव बार हमारे पास ओवरऑल एप्लीकेशन के ऊपर रहता है, तो हम जो है इसको कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल एप्लीकेशन में हमारा नैव बार यूज़ होगा, तो हमें इसको जो है इससे बाहर रखना होगा। होम अबाउट कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ गए, इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग मैं बताऊँगा नहीं, जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ ताकि जो है टाइम हमारा वेस्ट ना हो। क्लास नेम इसको कर लेते हैं नैव बार, सही है। और नेक्स्ट बार इसके अंदर हम अच्छा डिस्प्ले यूज कर लेते, ग्रिड यूज कर लेते हैं, एक काम करते हैं। सही है, हम इसकी विड दे देते हैं 100 DW और इसकी हाइट दे देते हैं फिलहाल 10 DH, और बैकग्राउंड कलर इसको थोड़ा चेंज करते हैं। कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे, हमने ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, तो रिपीट 3,1,5। स्टाइलिंग में क्या कर रहा हूँ वो जानने की ज़रा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो समझाने बैठे तो अपना हमारा आगे कंटेंट रह जाएगा। सही हो गया, ये हो गया। अब क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। मैं जाता हूँ क्लास नेम फ्लेक्स, सही है। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल सा एक नैव बार बन गया, इसको मैं कलर कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ कलर नहीं आएगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कलर बाइक और कर्सर पॉइंटर। यहाँ ज़रूरत नहीं थी मुझे अलग से करना था, लेकिन जब हम तीनों सिर्फ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो अभी फिलहाल ये कर लेते हैं। सही है, हमारे पास कर्सर पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल सा एक नैव बार बन गया। अब इसको हमने लिंक कराया नहीं है आपके राउट्स के साथ, उससे हमने राउटिंग पूरी बनाई नहीं है, अभी हमने सिर्फ एक नैव बार क्रिएट किया है। अच्छा, हम जब HTML के अंदर करते थे तो उसके अंदर एंकर टैग यूज़ करते थे, राइट? उस एंकर टैग को जैसे हमने HT रखा है ना, तो इसको हम रैप करते थे एंकर टैग के अंदर, और उसके अंदर हम SRC देते थे, HR देते थे, सॉरी। तो आपने उसको बता दिया कि भाई हमें यहाँ जंप करना है, तो अब इसके अंदर जो है ना डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है इसके अंदर। हाँ, अब हम लिंक यूज़ करते हैं, हम वो एंकर टैग यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको करेंगे लिंक यूज़। तो एक लिंक जो आता है हमारे पास रिएक्ट ऑटो डॉम से आता है, वो हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट आउटर डॉम, सही, यहाँ पे इसने हाईलाइट कर दिया। अब इस लिंक को हम रैप करेंगे किसके अंदर, इस पूरे H3 को हम रैप कर देंगे लिंक के अंदर। सही हो गया। अच्छा, मैं इन तीनों को हटाता हूँ, और जीपिंग कर दिया हमने, और कॉन्टैक्ट अबाउट, कॉन्टैक्ट और अबाउट। अच्छा सही, अब हमारे पास जो है ना
अच्छा, ये हमने जो नैव बार यूज़ किया है ना, अब देखें हमने ब्राउज़र राउटर के बाहर रखा है, इस वजह से हमारे पास एरर आ रहा है कि हमने यहाँ पे लिंक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो उस ब्राउज़र राउटर की, ब्राउज़र राउटर जो है वो हिस्ट्री मेंटेन करते हैं, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को। तो उसको हिस्ट्री किस तरह से मेंटेन करेगा, जब आप उसको लिंक्स बताओगे कि भाई हम यहाँ यहाँ जा रहे हैं, तो आप अगर आप उसको बाहर ही रख दोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें इसको करना होगा इसके अंदर, ब्राउज़र राउटर के अंदर इसको रैप करना होगा, ताकि वो लिंक्स की हिस्ट्री रख सके। अब लिंक जो है वो एक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है आपके पास टू, कि आपने जाना किधर है, आप पाथ डिफाइन करते हो। जैसे मेरे पास होम है, तो मैं इसका पाथ यहाँ पे क्या डिफाइन हुआ हुआ है, मेरे पास स्लैश, तो मैं इस कर लूँगा यहाँ पे इसको स्लैश टू अबाउट के अंदर अबाउट, और हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट, सही हो गया। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, मेरे पास राउटर चेंज हो गया, मैंने क्लिक करने पे मैं कांटेक्ट पे जा रहा हूँ, मेरे पास पेज कांटेक्ट खुल रहा है। क्या मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम जो है वो एक ही इंडेक्स ऑफ एचटीएमएल फाइल के अंदर हैं, उसने उसको अलग से कंपोनेंट में आके मर्ज कर दिया है, और हम जो है वो इसी पेज के अंदर राउटिंग कर रहे हैं, हमें सर्वर साइड पे हिट करना नहीं पड़ रहा, क्लाइंट सर्वर साइड पे, तो वो अलग से पेज लेकर नहीं आ रहा। जब हम वहाँ पे पेज लेके आते थे, तो या तो हमारे पास, अगर हम उसको टारगेट ब्लैंक कर दें, तो हमारे पास कोई दूसरे टैब पे खुलता था, लेकिन वो रिफ्रेश होता था, वो हॉट रिलोडिंग होती थी उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे जो है, हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसी कॉम्पोनेंट के अंदर ही उसको पहले पेज के अंदर करके उसमें पीछे राउटिंग करवा रहे होते हैं। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का और राउटर का ये एक कनेक्शन आप इस तरह से याद कर सकते हैं। सिंपल हमारे पास एक होम अबाउट और कॉन्टैक्ट का बन गया। ये थी आपकी पूरी वीआई राउटर, खत्म यहाँ पे वीआई राउटर, कुछ भी नहीं थी। अब जैसे हमारे पास एप्लीकेशन जैसे कॉम्प्लेक्स होती जाती है ना, तो उसके राउटर्स जो है ना बनाना काफ़ी मुश्किल इस तरह से हो जाता है, क्योंकि आप अगर उसको प्रॉपरली आर्किटेक्ट ना करो, उसको प्रॉपरली उसके एक क्या कहते हैं डिज़ाइन डिस्कस करने ना बैठो, तो आपके पास पूरा ही राउटिंग हिल जाती है, राउटिंग करना तो और मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारे पास पेजेस के अंदर पेजेस आ रहे होते हैं ना, हमारे पास कॉम्पोनेंट के अंदर कॉम्पोनेंट आ रहे होते हैं, जैसे कि हम ई कॉमर्स की बात करें, तो उसके अंदर हमें जो है, हमने एक कैटेगरीज के अंदर गए, उस कैटेगरी से सब कैटेगरीज के अंदर गए, फिर वहाँ से हम जंप करें किसी, हमने वहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, और उस प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमने उसको कर दिया पेमेंट ऑप्शन, तो वहाँ से वहाँ कैसे जंप करेगा? ये सारी चीज़ जो है ना, ये राउटर का काम होता है, और इसको संभालना या जब तक आप प्रैक्टिस में लेते हुए आएंगे, तो उसको आपको समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से हम इसमें काम करते हैं। अच्छा, राउटर का हमारे पास कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म होता है, इसके अंदर हमें और कुछ समझाने का है नहीं, हमने सिंपल यहाँ पे अबाउट और कॉन्टेक्ट करके हमने राउटर क्लियर कर दिया। अब अगर हम अपना आगे मूव करें, हमारे रिएक्ट हुक के कॉन्सेप्ट है, लाइक नेस्टेड राउटिंग विच आर पैरामीटर्स आल्सो आउटलेट। हाँ, हम नेस्टेड राउटिंग भी कर सकते हैं, जैसे अब अली ने बताया। तो अब जो है हम अपना आगे बढ़ते हैं रिएक्ट हुक के, हमारा टाइम कम है, तो हम करते हैं रिएक्ट हुक्स। रिएक्ट हुक्स असल में क्या है, जो अगर आप अपने वर्कशॉप नंबर टू में जाएँ, तो वर्कशॉप नंबर टू के अंदर हमने स्टेट पढ़ा था, और उस स्टेट को हमने कल ग्लोबलाइज करा था रिएक्ट वर्कशॉप नंबर थ्री के अंदर। तो वर्कशॉप नंबर थ्री के अंदर ग्लोबलाइज तो कर दिया था, लेकिन अब जो है हम क्लास कंपोनेंट यूज़ कर रहे थे, कहीं कहीं क्लास कंपोनेंट यूज़ कर रहे थे, कहीं पे नहीं कर रहे थे। कल तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम वर्कशॉप नंबर टू के अंदर हमें स्टेट बनाने के लिए क्लास कंपोनेंट यूज़ करना पड़ रहा था, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करता है, आपके पास जो है फंक्शनल कंपोनेंट सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो लोकल स्टेट बना रहे होते थे हम। तो रिएक्ट हुक का क्या कॉन्सेप्ट आता है, कि रिएक्ट हुक आपको ये बेनिफिट देता है कि आपको क्लास कंपोनेंट यूज़ नहीं करना पड़ता। क्लास कंपोनेंट के अंदर आपके पास मसले ये होते थे कि आप जो है वो उसमें अगर आप कीवर्ड देखो, तो आप लेते थे क्लास, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एप्लीकेशन में बंद करता हूँ, हम अगर पुराने वाले एप्लीकेशन पे जाएँ आपके काउंटर में जाते हैं, काम करते हैं, इसको मैं आते करता हूँ टर्मिनेट, सही है, पावर सेल खत्म, CD बैकपैक मैं गया, CD F1 यान स्टार्ट। अगर मैं जाऊँ आपके एप्लीकेशन के अंदर F1 के अंदर, तो ये हमारी वो काउंटर एप्लीकेशन है, इसके अंदर रिडक्स कल लगाई थी, सही हो गया। तो अब इसके अंदर जाते हैं आपके काउंटर वैल्यू पे, काउंटर वैल्यू। अच्छा, फिलहाल तो हमने इसके अंदर रिडक्स कनेक्ट करी थी ना, तो मैं इसको रिडक्स हटा देता हूँ, मैं रिडक्स यहाँ से हटा देता हूँ। मैं अच्छा, ये हट गया, यहाँ से आपके पास काउंटर की वैल्यू हट जाएगी, क्लास कंपोनेंट, क्लास
था हमारे पास, कंपोनेंट कंपोनेंट क्या आता है वी आई के पास से, इसने इंपोर्ट कर लिया। रिटर्न को हम हटाते हैं, रेंडर, रेंडर फंक्शन इसके अंदर कॉल होता है, सिंपल काउंटर फंक्शन। ओके, ये आपके पास यहाँ पे आ गया बटन्स। अच्छा, काउंटर इज नॉट डिफाइंड, सही है, इसको हम कर लेते हैं फिलहाल स्टैटिक, फिलहाल तो करते हैं जीरो। अभी हम जो है वो रिडक्स हटा रहे हैं इसमें से, पुरानी एप्लीकेशन में से, और हम इसके अंदर लगा रहे हैं अपना वापस से एक लोकल स्टेट लगा रहे हैं। हेडर का जरूरत नहीं थी, बटन के अंदर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, चलो ये हटा देते हैं अपना, सिंपल करते हैं इसको। ऑन क्लिक हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, और ये भी हटेगा। सारे एरर ऑटोमेट हो गए, सही है। ये सिंपल हमारी एप्लीकेशन थी, अभी कुछ बटन काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने कुछ स्टैटिक काम किया हुआ है। अभी ना बटन पे हमने कोई फंक्शन लगाया हुआ है, इसको भी हटा देते हैं, ना फिलहाल हमने बटन पे लगाया हुआ है ना कुछ किया हुआ है। तो पहले हमारे पास क्या होता था, पहले हम यूज़ कर देते हैं स्टेट, लोकल स्टेट, काउंटर की वैल्यू हमने करी जीरो, और यहाँ मैंने कर दिया क्लास कंपोनेंट है तो यूज़ करेंगे हम दिस, दिस से रेफर करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर। हमने अब तक का काम वर्कशॉप नंबर 2 के अंदर यहाँ तक किया था, ये इसको जीरो कर रहा है। इसको मैनिपुलेट करके देख लेते हैं, इंक्रीमेंट काउंटर, इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन नहीं होगा, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। तो वर्कशॉप नंबर 2 मुझे सवाल किया था, उसका जवाब ये रहा, दिस डॉट सेट स्टेट, एक प्रोटोकॉल के थ्रू हम फॉलो करेंगे इसको हम स्टेट चेंज करने के लिए। आपके पास जो सेट स्टेट, ओके, काउंटर दिस इज दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर +1, हमने यहाँ तक काम किया था इंक्रीमेंट काउंटर, और इसको मैं चेंज करता हूँ डिक्रीमेंट काउंटर के अंदर, हमने एक का इंक्रीमेंट किया तो डिक्रीमेंट किया, और हमने इसको पास करवा दिया एज अ प्रॉप, इंक्रीमेंट, इस फंक्शन को हमने पास करवा दिया एज अ प्रॉप, क्योंकि बटन हमारे पास बने हुए दूसरे कंपोनेंट के अंदर, और डिक्रीमेंट एरर जो आ रहे हैं उसको ज़रा इग्नोर करते हुए चलते हैं, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर, ये दिस को रेफर करेगा, दिस डॉट डिक्रीमेंट काउंटर, डायरेक्ट नहीं है कि स्टेट क्लास की प्रॉपर्टी है। सही है, बटन में जाएंगे, बटन में वो दो चीज़ें प्रॉप्स के अंदर लेकर आ रहा होगा, इंक्रीमेंट लेकर आ रहा होगा और हमारे पास डिक्रीमेंट लेकर आ रहा होगा। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के अंदर हम करेंगे इंक्रीमेंट कॉल, और ऑन क्लिक के अंदर हम करेंगे डिक्रीमेंट। तो ये यहाँ तक हमारे पास वर्कशॉप नंबर 2 के अंदर था, मैंने सारी रिडक्स हटा दी और वापस से इसको लोकल स्टेट पे लेकर आ गया, एप्लीकेशन हमारी सही काम कर रही है। तो अब जो है, अच्छा ये माइनस नहीं हो रहा, सही, यहाँ माइनस होगा, उल्टा प्लस कर रहा था, सही है। ये हमारे पास वापस से हम काउंटर एप्लीकेशन के अंदर आ गए जो हमने पहले की थी, रिडक्स से पहले, वर्कशॉप नंबर 3 से पहले, तो यहाँ तक हमने काम किया हुआ था पहले का। तो अब जो है हम यूज़ करने वाले हुक्स, हुक्स क्या करता है, हुक्स के पास आपके पास ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो हो स्टेट यूज़ कर लो, लोकल स्टेट यूज़ कर, नहीं लोकल स्टेट यूज़ कर लो, लेकिन जो है आप क्लास कंपोनेंट यूज़ ना करो, आप फंक्शनल के अंदर भी यूज़ कर सकते हो उसको। तो ये जो आपके पास एक फीचर जो है ना, ये आपको प्रोवाइड करता है हुक्स। एक मिनट पानी पी लूँगा। सही है, ये फीचर प्रोवाइड करता है आपको हुक्स, आप लोकल स्टेट पे काम करो लेकिन जो है आप हुक्स के थ्रू काम करो। तो आपने यहाँ पे क्या क्या करेंगे, अब कौन आया, सही है, हम क्या करेंगे, हम क्लास कंपोनेंट को हटा के फंक्शनल कंपोनेंट पे जाएंगे, क्योंकि हमें जो है अब क्लास कंपोनेंट काफ़ी हैवी कंपोनेंट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटेंड करवा रहे हैं किसी एक बेस क्लास के अंदर, बेस क्लास से हम इसको एक्सटेंड करवा रहे होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही वर्कशॉप, दूसरे वर्कशॉप बताया था कि हमारे पास ये रिएक्ट के कंपोनेंट को हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं, क्लास की सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर आ रही होती है। जब हम किसी को एक्सटेंड कर रहे होते हैं अपने चाइल्ड बेस क्लास से चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड कर रहे होते हैं, तो उसकी सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पर एक्सेसिबल होती है। तो हमें वो सारी फंक्शनैलिटी हम यूज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं स्टेट। तो एक के लिए मैं वो सारी क्यों इम्पोर्ट करूँ, मतलब कि उसको एक्सटेंड करूँ, मुझे तो अच्छा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये अब कंपोनेंट जो है ना क्लास की वजह से ये हैवी कंपोनेंट बन जाता है, क्योंकि आपके पास उसको एक्सटेंड करवा रहे होते हो। तो हम इसको ओमिट करेंगे, ये आपको दिखाने के लिए मैंने किया था कि हमने लास्ट में क्या, लास्ट वर्कशॉप के अंदर हमने किस तरह से काम किया था, ये सब आपको दिखाने के लिए था। अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, स्टेज हटा देता हूँ,
इसको करता हूँ वापस से फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं, वापस से फंक्शनल कंपोनेंट चेंज करेंगे, इसको कर लेंगे var, इसको कर लेंगे var, रेंडर फंक्शन हट जाएगा, रेंडर हमारे पास यूज़ नहीं होता, सिंपल हमारे पास जो है दिस हट जाएंगे। सही सही, ये भी हट जाएगा हमारे पास दिस ऑफ साइड्स के, दिस ऑफ साइड्स के। हम यूज़ करेंगे हमारे पास क्या यूज़ करेंगे, हुक्स। हुक्स के अंदर जो है अगर मैं आपको स्लाइड दिखाऊं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ हुक्स पे क्या है, हमारे पास मल्टीपल हुक्स होते हैं, जो बेसिक हुक्स होते हैं ना वो तीन होते हैं। यूज़ ऑफ एक्ट आपने लाइफ साइकिल मेथड पढ़ा था, यूज़ ऑफ एक्ट जो है वो उस लाइफ साइकिल मेथड को चेंज करते हैं, क्योंकि लाइफ साइकिल मेथड भी जो है हमारे पास क्लास कॉम्पोनेंट के अंदर ही बन रहे होते हैं, क्योंकि वो उसी के फीचर थे। लेकिन अब जो है हम फंक्शनल कॉम्पोनेंट पर काम करेंगे तो इसलिए हम हुक्स की मदद से अपने लाइफ साइकिल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं विदाउट क्लास कॉम्पोनेंट। तो यूज़ ऑफ एक्ट क्या करते हैं, आपके पूरे तीनों क्या कौन से तीन थे, कॉम्पोनेंट डिड माउंट, कॉम्पोनेंट डिड अपडेट और कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट, ये वो तीन लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। तो इन तीनों को सिर्फ ये एक अकेला हुक्स हैंडल करेगा, और एक यूज स्टेट हम लोकल स्टेट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ हुक विदाउट यूजिंग क्लास कॉम्पोनेंट। एक और होता है हमारे पास यूज कॉन्टेक्स्ट, ये हमारे पास यूज होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर। इस तरीके के हमारे पास मल्टीपल होते हैं। अगर आप आगे वाली वर्कशॉप के अंदर वर्कशॉप नंबर 6 जो होगी हमारी वो होगी कॉम्पोनेंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर हम इस और हुक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम हुक्स के थ्रू किस तरह से अपने कॉम्पोनेंट को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास आता है यूज़ मेमो और इस तरह से और भी चीज़ें आती हैं, तो फिलहाल हम उसको यूज़ कर लेंगे उस वर्जन नंबर 6 के में। तो अभी हम यूज़ करेंगे सिर्फ ये दो कॉम्पोनेंट, ये दो हमारे पास हुक्स, क्योंकि ये दो फिलहाल हमारे काम के हैं। हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे यूज़ स्टेट, क्योंकि हमें लोकल स्टेट बनानी है, तो हम इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं यूज़ स्टेट। अब कौन आ गया, ओके मैं इस एप्लीकेशन को काट रहा हूँ। हमारे पास क्या एरर आ रहा है, अच्छा इसको भी फिलहाल मिटा देता हूँ, बटन एरर ख़त्म। सही है, दिस डॉट सेव काउंटर, अब ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, इसको भी कर लेते हैं 0, अब नहीं आएगा एरर। सही है, अब बनाते हैं हम यूज स्टेट की मदद से आपके पास एक लोकल स्टेट, अभी इसको फाइल रखने। सही है, यूज स्टेट बनाने का, अच्छा यूज स्टेट है क्या, यूज स्टेट वो एक फंक्शन है जो कि आपको रिटर्न करता है, जो कि दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, और उसमें मतलब एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, चाहे वो आपके सिंगल वैल्यू हो या फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो। इसके मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बने हुए होते हैं पीछे, जो आपके हर हर सिचुएशन के हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। यूज स्टेट करता है क्या है, आपका एक स्टेट क्रिएट करता है और उसको रिटर्न करता है। रिटर्न क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है। उस एरे के अंदर होते हैं हमारे पास दो चीज़ें, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर हमारे पास होता है वो स्टेट, जो स्टेट हमने बनाई है वो स्टेट हमारे पास स्टेट की वैल्यू होती है, और सेकेंड इंडेक्स के अंदर हमारे पास उस स्टेट को मैनिपुलेट करने का फंक्शन होता है। अब इसको हम देख टेस्ट कर लेते हैं, हमने बनाया यूज स्टेट, यूज स्टेट हमारे पास एक ये देखें, हमने सिर्फ इनिशियल स्टेट बना दिया हमारे पास यूज स्टेट का। ये एक सिंटैक्स होता है, ये एक लाइन होती है जिसके अंदर पहला जो हमारे पास जो इंडेक्स का पहला वर्ड होता है, इंडेक्स नंबर 1 होता है, 0 पे जो होता है वो हमारे पास होता है एक स्टेट, और इसको मैनिपुलेट करने का जो फंक्शन होता है हमारे पास दूसरे इंडेक्स पे होता है। हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं हमारे पास हमारी इनिशियल वैल्यू, हमने जब स्टेट बनाई हुई थी पहले यहाँ पे, जब हमने स्टेट क्रिएट की हुई थी, स्टेट काउंटर जो था हमारे पास पहले हमारे पास क्या था, 0 था ना, तो ये जो 0 है ये इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर, ये स्ट्रिंग में नहीं आएगा, ये एक्सेप्ट करता है हर तरह का पैरामीटर। इसलिए हमें एनी का वर्ड, एनी कीवर्ड एक होता है जो कि आपको बता देता है कि भाई आप कोई से भी अपना डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ करते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करो या इंटीजर यूज़ करो या इस तरह की और भी चीज़ें यूज़ करो। तो हम पहले क्लास कंपोनेंट के अंदर हम बनाते थे स्टेट, स्टेट बनाते थे इस तरह से यूज स्टेट, हमने यूज स्टेट नहीं पढ़ी थी, यूज स्टेट हम आज पढ़ेंगे हुक्स पे, हमने पढ़ा था पहले सेट स्टेट के बारे में पढ़ा था, यूज स्टेट हम आज पढ़ेंगे। तो स्टेट हमने पहले बनाई थी, उसकी इनिशियल वैल्यू थी 0, और हमने यहाँ पे इसी तरह से जब हम यूज स्टेट के बारे में कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देते हैं, तो हमने इसको बता दिया यहाँ पर आके इनिशियल वैल्यू, मैंने
मैंने क्या बताया था, पहला इंडेक्स का जो एरे का जो पहला इंडेक्स होता है वो होता है हमारे पास जो स्टेट, और उसके बाद जो दूसरा इंडेक्स होता है वो होता है फंक्शन, रिएक्ट सेटिस्फाइड एक्शन। सही है, तो हम इसका नाम रख देते हैं काउंटर, और इसका नाम रख देते हैं सेट काउंटर। अब इसको, सही है, ये काम हमारे पास हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब हम करते हैं आपके पास इसको मैनिपुलेट करने की करते हैं। पहले तो हम इसको कर देते हैं स्टैटिक को यहाँ से हटा देते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे काउंटर, देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आई। हमारे पास 0 आ रही है, इसको मैं करता हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने अभी फिलहाल 0 दी हुई है फॉर इनिशियल स्टेट। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 5, तो ये इसको कर देगा 5। मतलब कि हमारे समझ में आ गया कि ये जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना, ये हमारे पास पहला पैरामीटर में काउंटर, अंदर में काउंटर लिखा हुआ है, तो काउंटर की वैल्यू आएगी उस स्टेट की वैल्यू आई है। जो काउंटर है ये एक स्टेट है, तो यहाँ पे स्टेट की वैल्यू आ रही है। तो हम फिलहाल यहाँ पे इतने 0, और सेट काउंटर है हमारे पास। सेट काउंटर एक फंक्शन है जिसको हम यूज़ करेंगे आपको स्टेट को मैनिपुलेट करने के लिए। अभी हमारे पास काउंटर ऐप के अंदर हम प्लस और माइनस करते हैं ना, तो हम यहाँ पे इसी फंक्शन के अंदर लिख देंगे सेट काउंटर। ये फंक्शन है, सेट काउंटर फंक्शन है, ये पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं आपके पास आपकी स्टेट, स्टेट वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो मैं स्टेट वैल्यू किस तरह से इसको इंक्रीमेंट करूँगा, एक होता है, एक तरीका तो ये है, वेयर काउंटर इक्वल टू काउंटर वैल इक्वल टू काउंटर प्लस 1। एक तरीका तो ये होता है, और हमने इसको पास करवा दिया काउंटर वैल। ये काउंटर वैल कर देगा आपको इसके अंदर सेट करवा देगा। सही है, मैं एक बार टेस्ट भी करके देख लेता हूँ। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट काउंटर, यहाँ पे मेरे पास, सही है, ऐड कर रहा है, ये मेरे पास चल रहा है। एक तरीका तो आप ये कर लो, या तो एक तरीका जब से शॉर्ट है इसको थोड़ा रीफैक्टरिंग करते हैं। इसकी रीफैक्टरिंग इस तरह से कर सकते हैं कि हम यहाँ पे करते हैं प्लस प्लस काउंटर, हम इसी काउंटर के अंदर प्लस प्लस करते हैं। अच्छा, आपने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टार्टिंग बेसिक प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी रही है के प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एडिशन होती है। आप लूप कर रहे होते हो, तो लूप के अंदर एक फॉर लूप के अंदर होता है ना कॉन्सेप्ट, फॉर आई इज इक्वल टू 0, एक जो रिवायती चलती हुई आ रही है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जो भी लेंथ होगी, और आई प्लस प्लस। तो वो जो आई प्लस प्लस जो होता है ना, वो पहले बोलता है कि आप जो हो पहले उस नंबर पे जाओ, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करो, पहले वो नंबर दिखाओ फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करो, असाइन करो फिर इंक्रीमेंट करो। लेकिन जब प्लस प्लस पहले लगा लेते हो ना, तो मतलब कि आप पहले इंक्रीमेंट करो फिर असाइन करो, ये कॉन्सेप्ट होता है। प्लस प्लस पहले लगाने का मतलब कि आपने पहले उसके अंदर नंबर एडिशन किया फिर उसको असाइन किया। लेकिन अगर प्लस प्लस एंड में लगाते हो ना, मतलब कि आपने लिख दिया काउंटर प्लस प्लस लिख दिया, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है पहले असाइन होता है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू में जाके उसको इंक्रीमेंट होता है। तो ये हमें क्या करना है, फिलहाल तो हमें इसके अंदर पहले इंक्रीमेंट करना है फिर इसके अंदर असाइन करना है। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया, सेम काम मैं करूँगा आपके, क्या हो गया, सेट काउंटर माइनस माइनस। सही है, अब मैं आपको टेस्ट करके देख लेते हैं। डिक्रीमेंट काउंटर, अच्छा सेट काउंटर क्या इशू आ रहा है, सेट काउंटर प्लस प्लस, सेट काउंटर माइनस माइनस, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट, कौन सा वेरिएबल, अच्छा कॉन्स्टेंट है ना, इसको मैं वार कर देता हूँ, कौन सा वेरिएबल के अंदर नहीं हुआ, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। हमारे पास काउंटर एप्लीकेशन चल गई, हमने क्लास कंपोनेंट के हटा के हमने फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करा। हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ, हमने स्टेट को जो है लोकली यूज़ कर लिया विद द हेल्प ऑफ हुक्स, और हुक्स के थ्रू हमने सेट स्टेट यहाँ पर बनाया, और इसको सिंटैक्स थोड़ा और छोटा भी कर दिया, हमने क्लास कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये कंपोनेंट जो है लाइट वेट है, इसके मतलब कि हमने कोई क्लास कंपोनेंट की तरह हैवी नहीं है, बहुत छोटा सिंटैक्स है, एक लाइन के अंदर आप स्टेट बना रहे हो और उसकी मैनिपुलेट करने के फंक्शन यहीं बना रहे हो, और हमने इसको बेसिकली यहाँ पे पास किया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास यूज स्टेट का। एक तरीका एक होता है कि आप यूज स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर दो। अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे, मेरे पास जो है ना एक फॉर्म है, मेरे पास एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर जो है ना मेरे पास कितनी फील्ड हो सकती हैं, फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, ईमेल एड्रेस, आपके पास लोकल एड्रेस हो गया,
पासवर्ड और करंट पासवर्ड, ये सारी फील्ड हो गई, तो मैं उसके लिए अलग अलग से यूज स्टेट बनाऊंगा? नहीं, आप या तो अलग से ही बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि आप जो हो ना इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करवा दो। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर मेरे पास आएगा नेम, नेम का लिख दूंगा मैं जो भी है, आपका इनिशियल वैल्यू होगी खाली, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, इस तरह से मैं पूरा एक स्टेट बना लूँगा। एक स्टेट जो है वो मेरे बाकी सारे फॉर्म के वैल्यूज़ को हैंडल कर रहा होगा। इस तरीके से भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग अलग से यूज स्टेट क्रिएट करना पड़े। आप जो एक ही स्टेट लो और उसके अंदर ऐसा ऑब्जेक्ट फॉर्म की तरह खेलो, तो ये भी तरीका होता है यूज स्टेट को मैनेज करने का। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन यूज स्टेट के अंदर? मुझे टैक्स बताते हैं जल्दी से। नो, और किसी को अली के अलावा? सही, यहाँ तक यूज स्टेट समझ में आ गया। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो मैं अगर थोड़ा फास्ट पेस में चल रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम बचा है, तो फास्ट पेस में चल रहा हूँ, तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। कल का लेक्चर भी अपलोड हो चुका था, आज की वर्कशॉप भी अपलोड हो जाएगी। सही है, हमने किया यहाँ पे यूज स्टेट। अब हम जाते हैं आपके यूज अफेक्ट के ऊपर। यूज अफेक्ट के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो यूज अफेक्ट क्या करता है, मैंने आपको बताया था लाइफ साइकिल मेथड ना, तो लाइफ साइकिल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, आपके पास तीन लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, कॉम्पोनेंट डेट माउंट, कॉम्पोनेंट डेट अपडेट और कॉम्पोनेंट डेट विल अनमाउंट। तो कॉम्पोनेंट डेट माउंट एक प्रोसीजर होते हुए गुजरता है मेरे पास। अगर यहाँ पे स्लाइड तो भी है नहीं मेरे पास, मैं स्लाइड दिखा देता। मैं आप स्लाइड नंबर 3 के अंदर जो है ना, मैंने शायद 3 करवाई थी, नहीं 2 में, वर्कशॉप नंबर 2 के अंदर जो है ना, मैंने वो डायग्राम दिखाई थी आप लोगों को, जिसके अंदर हमने वर्चुअल डॉम, एक कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर रेंडर करता है, रेंडर करने के बाद एक वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है, वो आके एक्चुअल डॉम से कंपेयर करने के बाद अगर कोई एरर नहीं होता तो वो उस कंपोनेंट को माउंट कर देता है। तो सेम प्रोसीजर जो है, हमने वो तीन कंपोनेंट यूज़ किए थे फॉर क्लास कंपोनेंट के लिए, तीन वो हमने फीचर यूज़ किए थे क्लास कंपोनेंट के अंदर, लेकिन अब वही तीन कंपोनेंट माउंट, कंपोनेंट विद अपडेट और अनमाउंट, वो हम यूज़ कर सकते हैं किसके अंदर, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। वो हम एक दफ़ा टेस्ट करके देख लेते हैं। इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट तो नहीं है? नहीं, इसके अंदर तो नहीं है। एक काम करते, हमने पहले बनाया हुआ था लाइफ साइकिल मेथड का बना हुआ है हमारे पास, इसी के अंदर एडिट कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ बड़ी स्क्रीन करता हूँ, यहाँ से मैं इस टर्मिनल को क्लोज करता हूँ। ये एप्लीकेशन हमारी हो गई, मैं सारी मैं पुश कर दूंगा गिटहब पे, तो वहाँ से आपको कोड मिल जाएगा। फिलहाल मैं किस पर हूँ, ऐप 1 पर हूँ ना, देखिए। अरे यार, पीछे गया मैं, CD लाइफ साइकिल डेमो, ये मैंने टैब दबाया तो इसमें क्या हुआ, मेरे पास आगे का सारा लिखा हुआ आ गया। मैं CD पे गया, यहाँ पे गया, अब यार्न स्टार्ट, सही है, हमारे पास ये क्या एप्लीकेशन थी, हम पहले वो देख लेते हैं। 9:15 तक जो है मैं एंड कर दूंगा, ताकि किसी को अगर जाना हो, कोई मसला हो तो वो देख लें। पब्लिक SRC कॉम्पोनेंट बनाए रहते हैं हमने, लाइफ साइकिल कॉम्पोनेंट। अच्छा, ये हमने काम किया हुआ था इसके अंदर, इसको मिल देता हूँ, ऐप ओपन करता हूँ। खुल जाओ, जल्दी खुल जाओ। सही है, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, मैं अपना डैश टूल खोल लेता हूँ, हमारे पास ये कॉन्सोल आ रहा था। सही है, इसको मैं मैसेज कर देते हैं। ये हमारे पास एक लाइफ साइकिल मेथड का हमने बनाया हुआ था, ये देखिए, जैसे ही हमने रिफ्रेश किया ना, मतलब कि अब पेज रिरेंडर होगा, पेज रिरेंडर होने के बाद हमने लगाया हुआ था इस कंपोनेंट के अंदर हाई के ऊपर, तो पहले कंस्ट्रक्टर रन होगा, कंस्ट्रक्टर रन होने के बाद जो है वो रेंडर प्रोसेस पे जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी ओरली बताया था। फिर आपके पास कंपोनेंट डेट माउंट का फंक्शन, एक प्रोसीजर रन होगा, तो जब कंपोनेंट डेट माउंट हो गया, आपके पेज पे डिस्प्ले हो गया, अब मैं इसके अंदर जो है यहाँ से टॉगल लाइफ साइकिल कर रहा हूँ, मतलब कि अब मैं इस हाई वाला जो कंपोनेंट है ना, जो मैंने अलग से तोड़ कर रखा हुआ है उसके अंदर, मैं इसको या इस पेज से अनमाउंट करूँगा, तो देखिएगा मेरे पास यहाँ पे क्या चलता है। अनमाउंट किया तो कंपोनेंट विद अनमाउंट का फंक्शन चला, इसने कंपोनेंट को यहाँ से हमारे वर्चुअल डॉम से जो है हटा दिया, और उसने उसको कंपेयर करने के बाद उसको पता चली कि भाई ये वाला कंपोनेंट जो है अब हट चुका है, तो उसने उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, एक्चुअल डॉम के अंदर वर्चुअल डॉम ने इंजेक्ट कर दिया, तो वहाँ से आपके पास कंपोनेंट हट गया। अब जब मैं वापस से टॉगल करूँगा ना, तो वापस से मेरे पास जो है वो कंपोनेंट आ जाएगा, तो जब कंपोनेंट वापस आएगा तो ये तीन जो हमारे जो एक स्टेप्स चले थे ना, वो वापस से चलेंगे। ये देखें, कंस्ट्रक्टर चला,
रेंडर चला, कंपोनेंट माउंट चला, ये सब पुराने वर्कशॉप के मैंने बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये क्या किया था हमने। और जो एड टैक्स है ना, एड टैक्स क्या कर रहा है, इस कंपोनेंट के अंदर अपडेशन लेकर आ रहा है, मतलब कि कंपोनेंट किस किस बेस पे अपडेट होता है, या तो आपने इसमें कोई नया प्रॉप्स पास किया हुआ हो, या तो आप उस स्टेट को छेड़ रहे हो, या तो स्टेट को मैनिपुलेट कर रहे हो सैड स्टेट के थ्रू, या फिर यूज स्टेट के थ्रू, या फिर आपने जो है इसका प्रॉप्स नया पास किया हुआ हो, इसकी वजह से आपका तो वो फंक्शन रीरेंडर हो रहा है, वो कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है। ऐड कर रहा हूँ, कंपोनेंट अपडेट हो रहा है, सही है। 1 मिनट, हाई किया, हाई किया, ये कर रहा है, वापस से रेंडर करेगा, रेंडर फंक्शन चलाएगा और कंपोनेंट अपडेट चलाएगा। आप फंक्शन को वापस से माउंट नहीं कर रहे हो, आप वापस से उसको रेंडर कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो वापस रेंडर हो रहा है। हर चेंज के बाद एकदम री रेंडर होता है और बता देते हैं कि कंपोनेंट अपडेट हुआ है, ये माउंट फेस में नहीं गया ना, अनमाउंट फेस में गया। अब ये जो हमने लंबी फटीग की हुई है ना यहाँ पे ये जो हमने पूरा किया हुआ है, इसको हम थोड़ा क्लीन करेंगे, हम क्लास कंपोनेंट को हटा रहे हैं, इसको हम कर देंगे क्लास कंपोनेंट से हटाकर फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, इसको स्टेट सब हट जाएगी, टॉगल रहेगा, ये रहेगा। अच्छा, हम इसके अंदर दोनों यूज़ कर लेते हैं, सेट स्टेट भी यूज़, कॉन्स्टेंट भी यूज स्टेट भी यूज़ कर लेते हैं, और रेंडर वो भी यूज़ कर लेते हैं, यूज़ इफेक्ट। जल्दी से मैं इसको ज़रा कोड कर लूँ, यहाँ से दिस डॉट स्टेट भी आएगा, सही है, ये आ जाएगा, बार बार यूज स्टेट, जल्दी से इसको बना लेते हैं। सेट कंटेंट आएगा और सेट कंटेंट, बल्कि मैं इसको थोड़ा तो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि हमारे पास और टाइम भी नहीं बचा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किस तरह से, मैं ये सब हटा देता हूँ, मैं ये सब हटा देता हूँ फिलहाल, सही है, ऐप 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 जो भी है सही हो गया। चेंज कंटेंट, ये यहाँ से ये भी हट जाएगा, कंडीशन लर्निंग हट जाएगी यहाँ से। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूँ क्लास कंपोनेंट की थ्रू ही कर लेता हूँ, क्योंकि वो फिलहाल ज़्यादा आसान रहेगा ना। क्लास एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, सही है, रेंडर रिटर्न का पूरा प्रोसीजर, सही है, मेरे पास ये आ गया, एड टैक्स आ गया, एड टैक्स को मैं कर देता हूँ, बटन नॉट टैक्स ये हट जा रहा है यहाँ से क्योंकि इसकी नीड नहीं है हमारे पास फिलहाल। स्टेट बना लेते हैं, स्टेट में कर लेता हूँ कॉन्टेंट लिख लेता हूँ, कॉन्टेंट के अंदर देता हूँ मैं इसको हाय, और इसको मैनिपुलेट करने का एक फंक्शन बना लेता हूँ सेट कॉन्टेंट के नाम से ना, सही है, दिस सेट स्टेट कॉन्टेंट टेम्पलेट लिटरल दिस डॉट स्टेट डॉट कॉन्टेंट सही है, और यहाँ पे कर देता हूँ ऑन क्लिक के ऊपर आपके पास सेट कॉन्टेंट दिस डॉट सेट कॉन्टेंट, सही हो गया। लाइफ साइकिल मेथड हमारे पास आ रहे थे इस कंपोनेंट के अंदर ना, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, सही है, रेंडर यहाँ पे हट गया, कंसोल डॉट लॉग, और आपके पास यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, मैं यहाँ पे देता हूँ कंटेंट दिस डॉट प्रॉप हट जाएगा, कंटेंट यहाँ पर आ गया। लाइफ साइकिल को मैं कर लेता यहाँ पे इम्पोर्ट, लाइफ साइकिल, सही है। अब इस एप्लीकेशन को देख लेते हैं इसमें हुआ क्या क्या चेंज हो गए, फिलहाल मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, कंटेंट मैंने भेजा नहीं, दिस डॉट सेट
स्टेट डॉट कॉन्टेंट। यहाँ पे मेरे पास आ गया हाय, सही है। अब ये क्या बोल गया, ये हमारे पास सिंपल थे, सही है, ये हमने सिंपल से बना दिया। हमारे पास एक स्टेट बनाई हुई है जिसके अंदर हमारे हाई का कंटेंट है, और हमने यहाँ पे एक बटन बटन लगा दिया, एड टैक्स में डाल देता हूँ, लेकिन आप सॉरी सॉरी ये रहेगा, सही है। अब जो है हम यूज़ करने वाले हैं आपका यूज़ इफेक्ट, तो यूज़ इफेक्ट के लिए हमें करेंगे इसको इम्पोर्ट यूज इफेक्ट, और आपके पास इसको करने का तरीका क्या होता है, यूज इफेक्ट एक फंक्शन पूरा एक बन जाएगा यूज इफेक्ट। सही है, यहाँ आके पास चलता है ना, यूज इफेक्ट किस तरह से मैनेज कर रहा होता है ये हम देख लेते हैं। कॉम्पोनेंट डेट माउंट, यहाँ पे आते हैं एक डिपेंडेंसी एरे। अब ये होते हैं क्या बताता हूँ मैं आप लोगों को, रिटर्न कंसोल डॉट लॉग, आपके पास रहेगा कंपोनेंट विल अनमाउंट, सही है। ये आके प्रोसीजर होता है, मतलब कि जब भी आपके पास कंपोनेंट, अब ये यूज इफेक्ट जो है ना फंक्शन, ये तीनों को हैंडल कर रहा है। तीनों को किस तरह से हैंडल कर रहा है, जब आपके पास एक फंक्शन या अपने कॉल होता है, और इसके अंदर जब जो भी आप कोड लिखते हो ना, ये पूरा कोड तब चलता है जब आप कोई ना कोई कॉम्पोनेंट को माउंट कर रहे होते हो, या फिर आप जब रिटर्न करवा देते हो ना, तो कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट का सारा काम यहाँ पे हो रहा होता है। मतलब कि आपने उसको रिटर्न करवा दिया, कॉम्पोनेंट जो है वो हट गया वहाँ से, और कॉम्पोनेंट के हटने के बाद जो है वो ये फंक्शन रिटर्न करेगा, और इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो तब ट्रिगर होगा जब कॉम्पोनेंट अनमाउंट हो जाएगा आपके स्क्रीन से। अभी डिपेंडेंसी एरे क्या है, डिपेंडेंसी एरे नाम से समझ में आ रहा है कि डिपेंडेंट मतलब कि आपका जो अब यूज इफेक्ट है ना, वो किसी आपका जो कॉम्पोनेंट है वो किसी ना किसी एक वेरिएबल पर डिपेंडेंट रहेगा। मतलब कि आप इसके ऊपर अंदर कोई भी कंटेंट लिख दूँ, मैं इसको यहाँ पे कंटेंट लिख दूँ, फिलहाल मैं इस कंटेंट को चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये फंक्शन रन होगा। मतलब कि इस कंपोनेंट, इस वेरिएबल के चलने पे जो है ना, मेरा ये कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है, मतलब कि इस कंपोनेंट के चेंज होने पे, अब चेंज होने पे क्या चलता है, कंपोनेंट विल अपडेट चलता है। तो मतलब कि ये कंपोनेंट विल अपडेट, जब भी इस वेरिएबल से चेंज होगा ना, तो हमारे पास ये यूज इफेक्ट चलेगा एज अ कॉम्पोनेंट विद अपडेट। अच्छा, एक कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर बड़ा अच्छा आता आता है, ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से आता है आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एड टैक्स किया, मेरे पास ये माउंट और अनमाउंट भी चल रहा है, मतलब कि ये दोनों भी चल रहे हैं मेरे पास। कोई मुझे बताए, अभी जल्दी से इसको समाप्त करते हैं, अगर पता है तो बता दो, वरना फिर हम जो है आगे बता देते हैं। मैं बता देता हूँ इसका कोई भी सोल्यूशन, ये क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है हमारे पास, कॉम्पोनेंट एट अमाउंट भी चल रहा है और विल अमाउंट भी चल रहा है। एनीवन, कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, यूज इफेक्ट जब आप इसके अंदर डिपेंडेंसी एरे डाल देते हो ना, तो आपका कॉम्पोनेंट एट माउंट और अनमाउंट दोनों नहीं चलते, मतलब कि ये बेकार हो जाते हैं। अगर आपने इसके अंदर डिपेंडेंसी एरे डाल दिया, तो ये पूरे को ट्रीट करेगा एज अ कॉम्पोनेंट विल अपडेट। तो इसलिए हम जो है, जो हमारे पास इस तरह के सिचुएशन के अंदर, इस तरह के टेस्ट केसेस के अंदर, हम बेसिकली यहाँ पे स्टेट भेज रहे होते हैं, तो उस स्टेट के बेस के ऊपर आपका कॉम्पोनेंट रिरेंडर हो रहा होता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका एक सोल्यूशन सिंपल सा ये है कि आप दूसरा स्टेट बना दो, दूसरा यूज इफेक्ट बना दो, इसके अंदर जो है आप कर लो CLG कॉम्पोनेंट डेट अपडेट, और इसको कर लेते हैं, यहाँ से हटा रहे थे इसको, और इसकी डिपेंडेंसी एरे को हम करते हैं एम्प्टी। अब देखो अब क्या चलता है, अब देख लेते हैं जल्दी से। ये हमने किया एरर रिजल्ट, सबसे पहले जो हमने, अच्छा सही है सही है सही है, हमने जब भी रिफ्रेश किया ना, तो हमारे पास दोनों यूज इफेक्ट चले, फॉर कॉम्पोनेंट डेड माउंट, ये भी कॉम्पोनेंट डेड माउंट भी चलेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर कॉन्सोल डेट अपडेट लिखा हुआ है, तो इसे डेट अपडेट का भी कॉन्सोल कर रहा है, लेकिन ये माउंटिंग फेज पे गया, क्योंकि दोनों यूज इफेक्ट है, दोनों चलेंगे। लेकिन जब मैं आप हाई करूँगा ना, मेरे पास ये देखें,
कंपोनेंट अपडेट ही वापस से रेंडर हो रहा है, मेरे पास बाउंडिंग फेज वापस से नहीं चल रहा। तो ये फ़ायदा होता है आपका कंपोनेंट यूज़ इफेक्ट यूज़ करने का। तो ये हमारे यहाँ पे सारे रिएक्ट के राउटर्स ख़त्म होते हैं। किसी का कोई सवाल, यहाँ पे हमारा सेशन होता है एंड। किसी को कोई सवाल यहाँ तक? एनीवन? कौन कौन है? पर ये देख लेता हूँ, सिर्फ 8 लोग हैं। वाह, अच्छा, किसी को भी सवाल नहीं है? सबके समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया, माशाल्लाह, चलो गुड हो गया। अच्छा, आज के सेशन पे हमारे यहीं पे एंड कर देते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो 9:20 तो हो गए, हमारा पूरे 1 घंटे का सेशन हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। अब जो है हम मंडे को मिलेंगे। मंडे को हम करेंगे एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे एप्लीकेशन पे काम करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास रिडक्स आ रहा होगा। रिडक्स यूज़ करेंगे हम, राउटिंग यूज़ करेंगे, और हम यूज़ करेंगे होक्स। तो आपके पास कल का टाइम है, आप आज और कल जो है वो दोनों रिवाइज कर लेना, ताकि मंडे को आपको कोई इशू फेस ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।